नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने अटल घाट में गंगा की आरती है। आपको बता दें कि कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर मां गंगा की आरती में आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा आरती, नमामि गंगे नृत्य, नाचिका लेजर लाइट शो के अलौकिक दृश्य के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गुरुवार को अटल घाट पर नगर निगम, जिला प्रशासन और श्री मद भगवत परिवार की ओर से आयोजित गंगा आरती में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मां गंगा को पुष्प, दूध और चुनरी अर्पित कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद शंखनाद और घंटा घड़ियाल के बीच विधि विधान से मां गंगा की आरती हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए पुजारियों ने अटल घाट पर भक्तों को काशी की गंगा आरती की अनुभूति कराई। आरती के बाद पहली बार नाव पर मौजूद कलाकारों ने नमामि गंगे हर हर गंगे थीम पर नृत्य नाटिका से सबको मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों ने नमो नमो शंकरा और बम लहरी गानों पर नृत्य किया। इसके बाद गंगा की धारा में लेजर लाइट शो के जरिए गंगा यात्रा का जीवन दृश्य दर्शाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल घाट अब काशी, हरिद्वार और प्रयागराज के बाद मां गंगा की दिव्य आरती के लिए पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन धरती से अविरल गंगा, निर्मल गंगा का संदेश दिया था। कहा कि गंगा में गिर रहे नालों को बंद किया जाएगा। उन्होंने शहर वासियों से रोजाना अटल घाट पर गंगा आरती करने का आह्वान किया। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मां गंगा का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि आज ये दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो चुका है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री अजीत पाल, कारगर मंत्री जय कुमार सिंह चौकी मौजूद रहे। आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले समय में इसका स्वरूप पकड़ लो सरकार का जी। हटा ऊपर से आरती का आयोजन किया गया से यहाँ पर समस्त विशेष तौर से जो कानपुर के प्रशासन के आईडी थोड़ी ऊपर हूँ सभी हमारे यहाँ के भैया जेएमडी नीचे कर लो और समाज में जो अलग अलग तरीके से आरती का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ऐतिहासिक है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा का जो संकल्प है वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों को भी खोजना पड़ रहा है कि गंगा जी में कोई गंदा नाला का पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप भरोसा रखिए, सच्चे मन से गंगा मैया की सेवा करिए। सभी इस प्रकार के जो कहीं पर भी गंदगी का एक बूंद भी आने वाला होगा तो वह भी धीरे धीरे करके सब रुकेगा और जिस गंगा मैया की कल्पना हम करते हैं उसमें हमको दर्शन बहुत बहुत बंदूक की नोक पर लूट की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से खबर है, गांव में दहशत का माहौल हो चुका है। गांव में बंदूक की नोक पर तीन नकाबपोशों ने किराना व्यवसायी को बंधक बनाकर लूटपाट की, सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। लूट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीओपी सुशील कुमार नायक और थाना प्रभारी धर्म जयगढ़ की टीम ने जांच शुरू करने के साथ साथ मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी भी कर दी। बताया जाता है ओंगना गांव के किराना व्यवसायी अशोक अग्रवाल अपने परिवार के साथ घर पर ही थे। इसी दौरान तीन नकाबपोशों ने बंदूक की नोक पर रखते हुए उन्हें बंधक बनाया और फिर लूटपाट की। इधर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। डकैती की वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन चुका है। खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया गया है। आपको बता दें कि
निर्माण के लिए जहां पूरे देश में उत्साह बना हुआ है, तो लोग श्री राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान डाल रहे हैं। तो वहीं आज अमृतसर के राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक द्वारा लोगों के सहयोग से 20 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हैं। आरएसएस नेताओं का कहना है कि श्री जन्म भूमि ट्रस्ट की तरफ से जो मंदिर निर्माण के लिए जन संग्रह अभियान शुरू किया गया है, उसी के तहत आज अमृतसर के लोगों द्वारा 20 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य और आरएसएस के नेताओं ने बताया कि आज अमृतसर में श्वेत मलिक जी के सहयोग से 20 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हैं और अब तक अमृतसर से 1.5 करोड़ की राशि मंदिर निर्माण के लिए एकत्र हो गई है। हम घर घर जाएंगे मंदिर निर्माण में लोगों के योगदान के लिए। आज अपने राज्यसभा सांसद श्री श्वेत मलिक जी के घर असी सब राम भक्त इकट्ठे हुए हैं। साडे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजाब दे प्रांत प्रचारक जी श्री प्रमोद कुमार जी पधारे ने, उन्हां दे नाल साडे पंजाब दे सह प्रांत संघ चालक मेरे वड्डे भाई डॉक्टर रजनीश जी आए ने, साडे जो संघ दे वरिष्ठ साडे मार्गदर्शक ने जगदीश जी आए ने, सह प्रांत संघ चालक जी अते उपस्थित विद्वत जन। ये जो श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वालों धन संग्रह। खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर महिलाओं के बीच हुए झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के नजदीक बाबा जीवन सिंह रोड पर स्थित कॉर्पोरेशन क्वार्टर में रहने वाली दो महिलाओं की झगड़े की वीडियो सामने आई है, जिसमें दो महिलाएं बहुत जोश के साथ आपस में लड़ती नजर आ रही हैं, जिसमें एक महिला का नाम पूजा और दूसरी महिला का नाम सीता है। लड़ाई का कारण ये है कि सीता महिला के पति ने पूजा को घर में अकेले देख उसके साथ बुरी नजर डालते हुए उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की और सीता के पति ने अपने बचाव के लिए 112 हेल्पलाइन पर पुलिस में कंप्लेन दे दी, जिस कारण दोनों महिलाओं का जैम वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गाली गलौज करते हुए दिख रही हैं महिलाएं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मौके पर महिला पूजा और उसके पति ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जालंधर से अमृतसर आए थे, तो पूजा के पति ने उसे रेलवे स्टेशन पर घर जाने के लिए छोड़ दिया। जब वह घर पहुंची तो सीता महिला के पति ने उसे अकेले देख उसके साथ बुरी नजर डालते हुए उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। सीता के पति ने अपने बचाव के लिए 112 हेल्पलाइन पर पुलिस में कंप्लेन दे दी थी। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਢਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੀ ਟੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। चाइल्ड फ्रेंडली थाना। आपको बता दें यूनिसेफ स्टेट हेड जुकरिया ने निरीक्षण किया, जिले जैसे दुरुस्त जिले में बच्चों और किशोरियों के प्रति बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने व मासूम पीड़ितों की शिकायत दर्ज कराने के लिए झगरा खंड थाना एक आदर्श व्यवस्था कायम की गई है, जिसके लिए जिले के पुलिस कप्तान और थाना प्रभारी बधाई के पात्र है। उत्काशी के उद्गार जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे यूनिसेफ प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकरिया द्वारा कही गई
एमसीसीआर के तत्वावधान में आयोजित इस गरिमामय आयोजन में श्री जकरिया ने बताया कि संपूर्ण देश में बच्चों के अधिकारों और उनके प्रति एमसीसीआर से जुड़े पत्रकार कार्य कर रहे हैं। साथ ही जिले की पुलिस टीम भी बच्चों और किशोरियों के मित्रवत व्यवहार जो एक अनोखी व्यवस्था निर्मित कर रही है जो कि बधाई के पात्र है। कार्यक्रम के दौरान कोरिया पुलिस कप्तान चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि इस प्रकार की नई सोच और व्यवस्था हमारी पुलिस बल की न केवल छवि सुधारेगी अपितु कार्य क्षमता में उत्साह वर्धन होगा। बच्चों और किशोरियों के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए काफी कानून बनाए गए हैं किंतु उसको अंजाम तक पहुंचाना ही उसका सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व इस क्षेत्र में महिलाओं किशोरियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध में बड़ी वृद्धि देखी गई थी जिसे देखते हुए झगड़ा खंड थाने का एक आदर्श और चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया। एनसीसीआर के प्रदेश श्याम बेंडिस ने कहा कि आज का दिन बहुत ही सराहनीय है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को नियंत्रण में चाइल्ड फ्रेंडली थाना झगड़ा खंड थाना एक मील का पत्थर साबित होगा जहां बच्चों और किशोरियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे त्वरित रूप से न केवल अपराध पंजीबद्ध होगा अपितु निवारण भी हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी करण कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी झगड़ा खंड विजय सिंह सहित समस्त थाना स्टाफ उपस्थित रहे। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से जहां पर शमशान घाट बनने का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के वजीराबाद में नई शमशान घाट बनने से ग्रामवासी का जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6.5 एकड़ में बननी है शमशान घाट। आपको बता दें जिससे डीएलएफ बना रही है शमशान घाट बनने से वजीराबाद के ग्रामवासियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। वजीराबाद के ग्रामवासियों ने कहा कि अगर यहाँ पर शमशान घाट बना तो ग्रामवासी ईंट से ईंट बजा देंगे। गुरुग्राम के वजीराबाद में नई शमशान घाट बनने से ग्रामवासी जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामवासी नए शमशान घाट बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी बस एक ही मांग है कि शमशान घाट को यहाँ से हटाया जाए और कहीं बना दिया जाए। पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे वजीराबाद के ग्रामवासी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी यही मांग अब लगातार तूल पकड़ती जा रही है। धरने में कई पार्टियां अपना समर्थन देने भी आ रही हैं। नवीन गोयल ने धरने पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी बात कहने का ग्रामीणों के इस शांति प्रिय धरने का तरीका उन्हें अच्छा लगा। शमशान घाट का निर्माण कार्य बंद करवा कर यहाँ कुछ और बनवाने की मांग की जा सकती है। इस पर गाँव के मौजूद व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं। बेशक वजीराबाद गांव हो लेकिन ये शहर का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर शमशान घाट बनाया जाना ठीक नहीं है। आबादी के बीच में शमशान ना बनाकर इसे अरावली की तरफ कहीं और शिफ्ट किया जाए। उन्होंने धरने पर बैठे बुजुर्ग को नमन करते हुए कहा कि उनके सामने ये शहर बना है, उनका आशीर्वाद सभी पर है। चुनावों के समय भी वजीराबाद के ग्रामीणों ने उन्हें भरपूर समर्थन देने का वादा किया था। अपने वादों के मुताबिक कभी खाली नहीं बैठे वजीराबाद के सरपंच सूबे सिंह बोहरा ने कहा कि यहाँ नया शमशान घाट किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कुछ बनाना ही है तो कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए या तहसील बनाए जिससे ग्रामवासियों को फायदा हो सके, लेकिन यहाँ पर शमशान घाट बनने से मुसीबतों का पहाड़ ग्रामवासियों पर टूट पड़ेगा। यहाँ पर रह रहे सब किराएदार खाली करके चले जाएंगे और यही ग्रामवासियों का एक रोजगार है। इसलिए मैं अपील करूंगा सरकार से कि यहाँ पर नया शमशान घाट बिल्कुल भी ना बने। ये विरोध ऐसा होता है, कोई भी सरकार की पॉलिसी बनती है वो जनता को देखते हुए और वहाँ के सरदारी और इलाके को देखते हुए वहाँ की जरूरत को देख करके बनती है। इस बात में तो कोई दोराई नहीं है कि हमारी सरकार दिन रात इस बात पे काम कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, वहाँ पे काम किया जाए लोगों की जरूरत को देखते हुए। जैसी कि ये डिमांड है शमशान घाट की, शमशान घाट तो एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन यहाँ की जो जनता की बात है वो मुझे कहीं ना कहीं जायज़ लगी और मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ। क्या है, हमारे नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है और ये शमशान घाट बिल्कुल गाँव के करीब है।
हम किराए से रोजी जीविका चला रहे हैं हमारे नौजवान, सरकार में नौकरियां नहीं है ज़्यादा, कंपनियों में भी नहीं है, तो हमारे किराएदार भी भाग जाएंगे और कितनी बीमारियां फैल जाएगी। हम शमशान के खिलाफ नहीं, शमशान को बना लो, कितनी ज़मीन है सरकार की पड़ी है, गाँव के साथ ना बनाए, नियम है, तो हम इसके विरुद्ध हैं और पूरे गांव के साथ बैठे हैं हम अपने के। और आज मेरे भाई आए नवीन गोयल जी पूरे संगठन के साथ, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं आपके मीडिया माध्यम से। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर अपर जिला न्यायाधीश ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मामला गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 योगेश कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। योगेश कुमार ने थाना सिहानी गेट के चर्च कॉलोनी में आत्महत्या कर ली। योगेश कुमार वर्ष 2020 में एचजीएस चयनित हुए थे। सूचना मिलते ही सुनकर उनके परिजन आवास पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मूल रूप से योगेश कुमार बहुत ही मिलनसार खुश मिजाज व्यक्ति थे। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, जांच के बाद ही आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट हो पाएगा। जैसे पता लगा, हमारे बड़े भैया हैं संजय शर्मा एडवोकेट, उनसे मुझे जो है इस बारे में जानकारी मिली, तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो अभी लोग बता रहे हैं कि 9:20 पे यशोदा हॉस्पिटल योगेश भैया को ले गए हैं और मैं भी तुरंत जो है वहीं जा रहा हूँ। आप कितने नज़दीक से आते जाते थे सर आप लोगों को? कचहरी से ही संबंधित बड़े भैया हैं हमारे योगेश जी भी, और काफ़ी अच्छे व्यवहार के। कैसे व्यवहार के थे? कैसे? बहुत बढ़िया व्यवहार था जी। क्या मान के चल रहे हैं, क्या रहा होगा कारण? कह नहीं सकते, मैं थोड़ा समय कम है। का कारण क्या रहा होगा सर? यशोदा हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, वहीं जाके पता लगे। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर डंपर की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बिधनु थाना क्षेत्र की कुरिया चौकी के सामने डंपर की टक्कर से महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी समेत 3 डंपरों को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पीएसी फायर ब्रिगेड समेत कई थानों के फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। कुरिया चौकी क्षेत्र के बनपुरवा गांव निवासी महिला को मिट्टी ओवरलोड डंपर ने चौकी से चंद कदमों की दूरी पर कुचल दिया और फरार हो गया। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने पीछे से आ रहे 3 डंपरों को रोककर आग के हवाले करते हुए कुरिया पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। सूचना पर मौके पर कई थानों की सर्किल फोर्स पीएसी व फायर ब्रिगेड ने स्थिति को काबू पाया। स्थानीय युवक ने बताया कि चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी खनन के कारण दिन भर ओवरलोड डंपर सड़क पर फर्राटे रहते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई हादसे का शिकार होता है। ग्रामीणों ने कई बार चौकी पुलिस से अवैध खनन की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे कॉरिडोर निर्माण कार्य में लगे डंपर से दुर्घटना हुई, डंपर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिन ग्रामीणों ने चौकी में तोड़ फोड़ आगजनी की है, उन्हें भी चिन्हित कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अवैध खनन के सवाल पर एसपी अनजान बन गए और कहा कि अवैध खनन की कोई शिकायत नहीं की गई है। आज मतलब कि ये कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने, कम से कम 6 महीने से रेलवे वाले एक एक ठेकेदार अच्छे अच्छे आते हैं, किसानों का पैसा भी मार जाते हैं, भाग जाते हैं। थाना बिधनु में कुरिया चौकी है, इस चौकी के सामने ही एक एक्सीडेंट हुआ है आज, ये जिसमें एक महिला की डेथ हो गई है। ये जिस डंपर से डेथ हुई है, ये जीएमआर का डंपर है जो रेलवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है और इसी सरकारी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जो मिट्टी ले जाई जा रही थी उसकी ढुलाई कर रही थी। फिलहाल यहाँ एक्सीडेंट के बाद जो पुलिस भी पहुँची थी, लेकिन जो काफ़ी लोग थे यहाँ आसपास के, उन्होंने 3 डंपरों में यहाँ आग लगा दी, चौकी में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। यहाँ हम लोग इस मामले में अभियुक्त